तरफ से ये जारोली बुजुर्ग की नदी चढ़ी हुई है, पुल से ऊपर जा रही है और उस तरफ कुछ लोग बेचारे उस तरफ छिपे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं, रस्सी डाल रहे हैं और रस्सी से उस तरफ के लोग उस तरफ जा पाएंगे और इस तरफ के लोग उस तरफ जा पाएंगे, क्योंकि भारी बारिश हो रही है इसलिए लोग उस तरफ पहुँच चुके हुए हैं। सुबह से खाना पीने की व्यवस्था भी नहीं है उस तरफ, तो यहाँ के लोग उधर जा सकते हैं, हम रस्सी का इंतजाम कर रहे हैं, रस्सी से डाल के उनको निकाला जाएगा, यहाँ निकाला जाएगा और इस तरफ के लोग उस तरफ जा पाएंगे और इस तरफ के उस तरफ आ पाएंगे। ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और ये हम गांव वाले लोग हैं, हमारे गांव की नदी है जारोली बुजुर्ग की, तो हम लोग सब लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं और पानी बहुत बरसात बहुत हो रही है, तो ये नदी हमारी 3 दिन से चढ़ी हुई है। आ गए हम। ग्राम जारोली बुजुर्ग की नदी भारी उफान पर है, भारी बारिश के कारण हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि अशोकनगर क्षेत्र में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये अशोकनगर से 12-14 किलोमीटर दूर टूमेन है, वहाँ की ये नदी का चारों तरफ बहुत भयानक रूप देख रहे हैं और यहाँ पे लोग फंसे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुँच पा रही है और होमगार्ड की रेस्क्यू टीम मेरे साथ है लेकिन वहाँ पे पहुँचने में असमर्थ हैं हम लोग, तो आपसे निवेदन है कि हेलीकॉप्टर के बगैर वहाँ से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, तो आप जितनी जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराने की कोशिश करें माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब और अशोकनगर के लिए, और काफ़ी बहुत भयावह स्थिति है, आपसे ये निवेदन है जितना जल्दी हो सके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था अशोकनगर में करानी, कृपा करें।